हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट में एक नया रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 3 पोस्ट, उसके बाद आर्टिस्ट ए के लिए 1 पोस्ट, टेक्नीशियन ए के लिए 5। तो यहाँ पर जो है 10 बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। टेक्नीशियन ए के लिए बहुत सारा कैटेगरी में, यहाँ पर बहुत सारा सेंटर में आप लोगों के लिए वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट, एग्जीबिशन असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट और एडुकेशन असिस्टेंट ए के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट जारी किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तरफ। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है आप लोग के पास HS पास होना होगा। इसके लिए यहाँ पर एज 25 ईयर रखा गया है। आर्टिस्ट ए के लिए यहाँ पर आप लोग का क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना होगा, उसके साथ यहाँ पर आप लोग का एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पर आप लोग का क्वालिफिकेशन SSC और मेट्रिकुलेशन विद ITI सर्टिफिकेट होना होगा। इन ट्रेडों के ऊपर आप लोग का ITI सर्टिफिकेट होना होगा, यहाँ पर जो जो ट्रेड आप लोग के लिए दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है वो है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन, आप लोग के पास डिप्लोमा होना होगा तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एज 35 ईयर रखा गया है। उसके बाद एग्जीबिशन असिस्टेंट ए के लिए यहाँ पर जो आप लोग का क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना होगा, इसके लिए यहाँ पर एज 35 ईयर रखा गया है। उसके बाद एडुकेशन असिस्टेंट ए के लिए यहाँ पर जो है आप लोग का क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना होगा, इसके लिए भी यहाँ पर एज 35 ईयर रखा गया है। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को ए वाले यहाँ पर लिंक पर आना होगा, NCSM.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग को एक एप्लीकेशन फ़ीस भी देना होगा, जो वहाँ पर बोला गया कि 885 का आप लोग को एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट, SC ST PWD, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, जिसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट बोला गया है 27/3/2023 के अंदर आप लोग को इसका अप्लाई कर देना होगा। दोस्तों दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।